तो क्योंकि आज का दिन इतना स्पेशल है सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ लिटिल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वट एवर आई एम डूइंग टूडे. ऑल्दो कोविड का टाइम चल रहा है सो देर इज नथिंग एज स्पेशल एज इट यूज टू बी बट या आई थिंक इट शुड बी अ फन ब्लॉग. अभी इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग. अभी नमाज का टाइम होने वाला है सो आई एम गोइंग फॉर अ बाथ एंड देर इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. Okay, so guys, I'm all ready for the namaz and you guys must be thinking ki yaar main kurta pajama chhod ke ye kya pehna hua. So a quick update about my current location. It's that ki abhi main Jabalpur mein hu apni nani ghar mein and it's been around like a month or 1.5 months main yahan pe tab se hu. So main jitne kapde leke aaya tha mere paas utne hi hai. And yahan pe lockdown laga hua hai so I couldn't go out and like do the shopping. But I'm happy ki at least we are grateful to have this day, to celebrate this day. So meet my nephew. Come here, you cute little boy. So tell the audience about what are we doing today. मेरे को अच्छे से ready shady है. Ready shady तो हम हो चुकी हैं. Party लेंगे इसमें. पहले नमाज पढ़ेंगे इसके बाद खाते हैं. Okay. इसके बाद चीजें मिलेगी. ठीक है. सो गाइस अभी इट्स द टाइम दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव. आई रिमेंबर लास्ट ईयर जो ईद थी दैट वाज माय फर्स्ट ईद जिसमें पापा नहीं थे साथ में एंड ये दूसरा साल है. बट एज आई सेड दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स एंड द पीपल दैट वी हैव अराउंड अस. छोटू भाई नमाज पढ़ नहीं पाया. उसको कंफ्यूजन हो गया था कि स्टार्ट कैसे करना. सो ये अभी पढ़ रहा है. उसको पापा पढ़ा रहे हैं. हाथ चुम अच्छे से अपना हाथ ही चुमना है दादा का हाथ. पहले This feels very weird. So we have the special sheer kurma with us. थैंक यू. ये आज की पूरी कमाई हमारी कितनी हुई है अभी तक माशा? आज की अपनी कमाई हुई है अराउंड लाइक 1200 रुपीज. और तो एक सरप्राइज है. ब्लॉग मीट ब्लॉग मीट ब्लॉग. देखो 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 ये कितनी सारी ईदी है मेरे पास. तो पार्टी पार्टी तुम दे रहे हो? ये एक ही ईदी है. मैंने इसको फोन कर दिया हूं जैसे लगे डबल डबल. ओके सो वी हैव this tasty tasty sheer kurma. actually bahut tasty hala mast bana hai sach mein maza aa gaya. pata hai aapko same mummy bhi aise banati hai. so abhi hamara next plan kya hai? i think maisha dekhni rahegi. so maisha batao abhi hamara next plan kya hai for the rest of the day? main to enjoy karungi sath sath padhai bhi karungi thodi si.
पढ़ाई थोड़ी थी, थोड़ी। अच्छा, तो नॉर्मल डेज में तो पढ़ती नहीं हो? नहीं, अभी रमजान चल रहा था तो मैं नहीं कर पाई थी ना। गाइस मैंने जस्ट अभी अपना लंच कंप्लीट किया एंड राइट नाउ इट्स 4:30 PM। बट देयर वाज वन थिंग जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी का जो टाइम है वो इतना अनसर्टेन है कि किसी भी वक्त कोई भी न्यूज़ मिल जा रही है। एक जो चीज़ अभी हम कर सकते हैं वो ये है कि हम दुआएं कर सकते हैं लोगों के लिए। इंशाल्लाह मुझे स्ट्रांगली बिलीव है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगी। आज ईद में हम किसी भी रिलेटिव्स के पास या किसी भी अपने फ्रेंड्स के पास मिलने नहीं गए। इट वॉज ऑल जस्ट विद द फैमिली, सो इट हर्ट्स बट इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। यू कैन ओनली होप कि चीज़ें अच्छी हो जाएँ जल्द से जल्द एंड आओ बैठ जाओ। सो ही वॉन्टेड टू सिट विथ मी एंड सो या हाय, इसका नाम अमीर है। yes. मैंने बताया था राइट। सो मैं अभी जस्ट कमेंट स्क्रॉल कर रहा था, अभी जो न्यूएस्ट वीडियो मैंने डाला है उस पर, एंड इतने सारे कमेंट्स हैं। मैं हमेशा ये सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ कमेंटिंग अगे ऑल्सो कि इसमें कई सारे ना क्वेश्चंस भी होते हैं। सो मैंने सोचा है कि मैं एक डेडिकेटेड Q&A करूँगा कुछ टाइम के बाद। सो उसके लिए इवन मैं एक पोस्ट भी डालूंगा जिसमें यू कैन ड्रॉप ऑल योर कमेंट्स, और कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आस्क अर्शाना, तो उसमें यू कैन आस्क एनी थिंग टू मी रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग, रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, यू नो एनी थिंग अबाउट मी एज वेल, सॉरी मी एज वेल। हाँ, तो या अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो टॉप 5 कमेंट्स हैं मैं उनके आंसर्स अभी दूंगा। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी बार आते ही रहता है एंड ये बहुत ऑब्वियस ही है। लोग पूछते हैं कि वेयर आई एम फ्रॉम। Hi. Hi. I'm filming the video. Okay. Where are you from? इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। तो और इवन कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ, मतलब दे ऑलवेज से लाइक कि लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर प्लेस। आई एम लाइक ऑलवेज कि मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ एंड मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़। एक सम अप करके मैं क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन था कि किस तरीके से मैं फिल्मिंग करता हूँ एंड किस तरीके से मैं सारा जो आइडियाज़ है या प्लेसेस हैं उनके बारे में कैसे मैं रिसर्च करता हूँ या कैसे उनको एग्जीक्यूट करता हूँ एज अ ब्लॉग। तो अगर सिंपल वे में बताऊँ तो मैं किसी भी प्लेस जाने के पहले वहाँ का अच्छे से रिसर्च करता हूँ कि उस प्लेसेस में क्या क्या स्पॉट्स हैं जो बहुत अच्छे होंगे। गूगल मैप्स में एक बार मैं उन सबको देखता हूँ कि ऐसे कौन कौन से स्पॉट्स जहाँ पे अच्छे ड्रोन शॉट्स निकल सकते हैं। तो वो एक बार जब आइडिया बन जाता है तो पता चलता है कि कितना दिन लग सकता है हमको वहाँ पे शूट करने में, तो उस हिसाब से फिर आइटनरी प्रिपेयर होती है। अब ये सारी चीज़ें पार्ट हैं जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, जो शूट करने में हेल्प कराएगा। बट जो व्लॉग का कंटेंट होता है वो ऐसा होता है कि मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं इन प्लेसेस में घूमूंगा तो मेरे मन से क्या आवाज़ें आएंगी। तो वो जो भी आवाज़ें होती है वो हमेशा मैं अपने नोटपैड्स में लिख लेता हूँ, मतलब लाइक आई हैव अ ऐप कॉल्ड कीप नोट्स। मैं हमेशा ऐसे काफ़ी सारे लाइक राइटअप्स होते हैं, जो भी मेरे मन के थॉट्स होते हैं उनको मैं हमेशा लिख के रखे रहता हूँ। सो ये काफ़ी सारे हैं। सो इनमें से काफ़ी सारे वीडियोस मैंने एग्जीक्यूट कर चुके हैं, काफ़ी सारे अभी बचे हुए हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड इवन अभी भी जो मैं वीडियो फिल्म कर रहा हूँ, इसको मैंने कल रात को इसका पूरा एक स्ट्रक्चर माइंड में पहले बना के उसको पूरा राइटअप लिखा था उसका, और आज फिर उसके बारे में मैं अभी फिल्मिंग कर रहा हूँ। तो मतलब ये ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इवन अगर मैं कोई डेली लाइफ व्लॉग भी अगर शूट कर रहा हूँ तो वो मैं सिंपली रैंडमली बस मैंने स्टार्ट कर दिया फिल्मिंग करना है एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, अ फ्रेमवर्क जिसके अंदर आप अपने जो आपके कंटेंट्स हो आप उनको स्टैक करोगे, आप उनको फिल करोगे, लाइक योर बिगनिंग, योर मिडल, योर एंड। और सबसे बेहतर तरीका जो होता है, अगर कभी भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पजल्ड फील कर रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट वॉट यू फील अबाउट दैट प्लेस, उसको एज अ नरेशन आप उसको बनाओ, और फिर उस नरेशन में एक स्टोरी होनी चाहिए, उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो वो जो स्टोरी और जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आप यू नो अपने फुटेजेस को स्टैक कर सकते हो। एंड फिर एक अच्छी म्यूज़िक यूज़ करो। अच्छी म्यूज़िक यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप एडिटिंग में आपका अच्छे से मन लगेगा एंड आप उसको एन्जॉय करोगे। एंड फिर उसमें जब एडिटिंग करो तो बहुत अच्छा भी लगता है। तुम पूरा भी गए?
I was just waiting कि मैं पीऊंगा and I saw this guy, this little guy. क्या कुत्ते देर से रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा. अभी मुझे ज़्यादा कुछ तो और मिल नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोल करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा. सो अभी के लिए ये जो क्यू एन ए वाला पार्ट है वो यहीं तक. मैं एक डेडिकेटेड क्यू एन ए फिर से करूँगा कुछ टाइम बाद. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना. एंड सो या मेरी जो नीस है, मतलब अमीर की जो बड़ी बहन है, उसका भी एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है क्राफ्ट्स आर बेस्ट. सो गाइस डू वॉच हर वीडियोस एंड अगर पसंद आए तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो. यार अमीर क्या करना है इसका? A very very happy Eid to all of you and I hope कि आप सब बहुत ही अच्छे होगी, आपकी health बहुत अच्छी होगी and मेरी दुआ है इंशाल्लाह कि ये जो वक्त है अभी जो चल रहा है ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम सब फिर से जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहें, जैसे पहले फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे वैसे ही करें एंड एंड लोगों को हक कर पाए. सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.